धुळे शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या आग्रा रोडवरील स्वर्ण पॅलेस या सराफा पेढीवर भल्या पहाटे अज्ञात व्यक्ती जबरी चोरी करत तब्बल 1,10,00,000 सोने चांदीचे दागिने आणि 10,000 रोख रक्कम चोरून नेली असल्याची धक्कादायक घटना शहरात घडली आहे। या चोरीमुळे आग्रा रोडसह शहरातील व्यापारी वर्गामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। काल पहाटे 2 ते 3 वाजेच्या दरम्यान चोरट्याने स्वर्ग पैलेस ज्वेलर्सच्या मागील बाजूला असलेल्या शटरचे लॉक कापून शटर उघडून आत प्रवेश केला आणि आतमधील काचा फोडून हाती लागेल तेवढे सोने चांदीचे दागिने, ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले सोने तसेच चांदी आणि गल्ल्यातील 10,000 रुपयांची रोख रक्कम असा मुद्देमाल चोरून नेलाय, अशी माहिती स्वर्ण पॅलेसचे मालक प्रकाश जोराव लमल चौधरी यांनी दिली आहे। पोलीस गाडीचे सायरन ऐकून चोरटे पळाले। ही जबर चोरी करण्यापूर्वीच चोरट्यांनी दुकानातील CCTV कॅमेरे फोडून टाकले। चोरटे आत शिरून चोरी करत असतानाच आग्रा रोडवर पोलिसांच्या गस्ती पथकाच्या वाहनांचे रसायन ऐकून चोरटे मागील गल्लीतून अंधाराचा फायदा उचलून पळून गेले, असेही स्वर्ण पॅलेसचे मालक प्रकाश चौधरी यांनी सांगितलं आहे। स्वर्ण पॅलेस ओनर प्रकाश हमारे दुकान का पीछे का दरवाज़ा फोड़ के चोर लोग अंदर आए। पहले स्टार्टिंग में एक आया, फिर सेकंड टाइम में दूसरा आया। उन्होंने CCTV के कैमरे वो तोड़ के फिर आगे का एक दरवाज़ा वो उसका कांच फोड़ के फिर अंदर आए। अंदर आने के बाद में दूसरा कांच फोड़ा, वो फोड़ के अंदर आए। काउंटर में आए, काउंटर के अंदर ड्रॉवर में हमारे जो सोने का दागीना था वो दागीना उन्होंने निकाला। उसके ऊपर के ड्रॉवर में प्योर सोना था वो निकाला। उसके बाद में उन्होंने छोटी मोटी मतलब मोड़ का आइटम था वो भी उन्होंने निकाला। थर्ड नंबर पे चांदी का एक ड्रॉवर फिर उन्होंने खोला। चांदी के ड्रॉवर में से उन्होंने पूरा चांदी निकाला अंदर। इस प्रकार का हमारे यहाँ पे चोरी हुई है और चोरी अबाउट 1,10,00,000 के आसपास का हुआ है। सोना कितना था कम से कम? सोना अंदाज 1,500 ग्राम अंदाज। उसको अभी स्टॉक हमारे को लेना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक लेने के बाद में एकदम परफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो स्टॉक जब भी हम लेंगे जब भी परफेक्ट मालूम पड़ेगा क्योंकि अभी तो अंदाज है, क्योंकि एक दिन पहले का स्टॉक रहता है। वो स्टॉक में से कितना सेल हुआ है, उसमें कितना बचा है, वो हम स्टॉक लेंगे तो मालूम पड़ेगा। रिपोर्ट स्टार महाराष्ट्र न्यूज धुळे।